In the strokes of my brush, I find my world at Singhania Educational Institute, where colors speak my thoughts and the canvas listens. Her painting isn't just an art. It's the language of my imagination, nurtured and celebrated. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. लोकसभा चुनाव से पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। एक दिन पहले हुए राज्यसभा चुनाव में जहां 7 विधायकों ने पार्टी से बगावत कर दी, तो वहीं बुधवार को सीबीआई ने समन भेजकर अखिलेश यादव की बेचैनी बढ़ा दी है, या यूं कहें कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर अब सीबीआई का शिकंजा कसने जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। सीबीआई की ओर से यह समन सीआरपीसी की धारा 160 के तहत भेजा गया है। सीबीआई ने अखिलेश यादव को पूछताछ में गुरुवार को शामिल होने का समन दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव को यह समन अवैध खनन घोटाला मामले के अंतर्गत जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अवैध खनन मामले में बतौर गवाह अखिलेश यादव को गुरुवार के दिन सीबीआई के सामने पेश होना है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है और 29 फरवरी को इस मामले में गवाही होनी है। हालांकि इस मामले में समाजवादी पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि अखिलेश यादव को कोई नोटिस नहीं मिली है। अगर इस प्रकार की कोई नोटिस आती है तो तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी लेने के बाद पक्ष रखा जाएगा। फिलहाल सीबीआई की ओर से अखिलेश यादव को समन भेजे जाने से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्माना तय हो गया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आपराधिक साजिश में सरकारी कर्मचारियों द्वारा निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना अवैध रूप से नए पट्टे और पूर्व से जारी किए गए पट्टों का रिन्यूअल किया गया। इस मामले में कई आरोपियों को अवैध रूप से खनन को अनुमति दी गई। आरोप यह है कि खनिजों की चोरी और धन उगाही की अनुमति दी गई। यह घटना 2012 से 2016 की अवधि के दौरान यूपी के जनपद हमीरपुर की बताई जाती है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव को सीबीआई की नोटिस का खंडन समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने सीबीआई के अखिलेश यादव को किसी प्रकार की नोटिस न मिलने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पार्टी हमेशा गरीबों मजलूमों की आवाज रही है। सपा प्रवक्ता ने कहा कि सपा ने देश में ऐसे विपक्षी गठबंधन को तैयार किया है जो भाजपा की जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।